मैं सोच रहा था कि जाने से पहले आपको आपकी अम्मी की तरफ छोड़ दूँ, आप उनके साथ कुछ वक्त भी गुजार लेंगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं आंटी को टेंशन नहीं दूंगी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आप बोर ना हो। जिस घर से रुखसत करते हुए मुझे वापस ना आने का हुक्म दिया गया था, उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? आप रिक्वेस्ट ना करें, आप हुक्म करें और बैठ जाएं। आपको जिस दिन भी अपने फैसले पर पछतावा हो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं इस खुशफहमी में ना रहूं कि मोहब्बत दायनी भी हो सकती है। आपको ऐसा क्यों लगे कि मुझे कभी भी अपने फैसले पर पछतावा होगा? शीरी से आपका डिस्कस करना कि मैं शादी से खुश नहीं हूं, इसका और क्या मतलब हो सकता है? अब मुझे पता चला। देखें, मुझे इस शादी पे बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं, और शीरी को अंदाज़ा है कि मेरी खुशी आपकी खुशी से जुड़ी है, इसलिए वो चाहती है कि आप खुश रहें। जब तक आपकी मोहब्बत मेरी ढाल बनी रहेगी, मैं बहुत कुछ सुन भी लूँगी और सह भी लूँगी। अगर आपको मेरी मोहब्बत पे इतना भरोसा है, तो फिर ये कभी मत सोचिएगा कि मुझे इस फैसले पे कभी भी कोई पछतावा हो। बहुत प्यारी लग रही है दोनों की जोड़ी, माशाल्लाह। सुंबुल की माँ कह रही थी मंगनी में इतने प्यारे लग रहे हैं तो शादी में तो बहुत रूप चढ़ेगा। तुमने देखी तस्वीरें? नहीं। क्यों? सुंबुल तो कह रही थी कि उसने तुम्हें तस्वीरें भेजी हैं। भेजी हैं, लेकिन मैंने देखी नहीं। ये सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाह रहे हो हातिम? उसने तस्वीरें भेजी, तुमने नहीं देखी। अगर ये हरकतें करके कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहे हो तो इस एहतजाज की कोई तुक नहीं बनती। आप बेफिक्र हैं अम्मी, ना तो मैं एहतजाज करूंगा और ना कभी इस रिश्ते से इनकार। तो फिर तरीके सलीके से निभाओ इस रिश्ते को। उस बच्ची ने तस्वीरें भेजी, तुमने तस्वीरें नहीं देखी, जाहिर है रिप्लाई भी नहीं किया होगा। फोन उठाओ, रिप्लाई करो उससे, जल्दी करो। अगर मैंने आपके कहने पर ही रिप्लाई करना है तो ये ले, रिप्लाई आप ही कर दें उससे। हातिम मत करो इस तरह की बातें बेटा, ये रिश्ता मैंने तुम्हारी खुशी के लिए जोड़ा है। वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो माजी की सारी कड़वाहटें भूल जाओगे। अम्मी, इंसान वो जुर्म कभी भी नहीं भूल सकता जिसके पदाश में वो सजा काट रहा होता है। कोई जुर्म नहीं किया तुमने हातिम, और कोई सजा नहीं काट रहे हो। जिस दिन तुम इस जुर्म और सजा के चक्कर से निकल आओगे ना, उस दिन जिंदगी की खुशियों को महसूस करना शुरू कर दोगे। जिंदगी अगर एक धारे पे आ रही है ना, तो उसे आ लेने दो। जिस लड़की ने तुम्हें अपना साथी कबूल किया है उसकी कदर करो, वरना बहुत बदनसीब होगे तुम। अब तुम चुप रहोगी और मैं बोलूंगी। भाई के पास आके मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी।
इंतजार करना मेरा। मम्मी आई नाश्ते पे? वो कह रही थी कि बाद में आएंगी। तभी ठीक है उनकी? जी। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाऊंगा, तुम तैयार है ना? फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। सही। ओके। शीरी, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तुम बहुत खुश होगी। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्लान पोस्टपोन कर दें? क्या बात है, ऑल गुड? हाला ने मुझे मना किया था कि मैं आपको ना बताऊं। क्या मना किया था बताने से? उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना? अदन, एक मिनट मेरी बात तो सुने। कल रात को खाला की तबीयत ठीक नहीं थी। उनका बीपी बहुत शूट कर गया था और ब्लड शुगर लेवल भी लो हो गया था। मैंने उन्हें बहुत बोला कि मैं अदन को बुला कर ले आती हूँ, लेकिन वो मेरी बात माने ही नहीं। बट शीरी, दैट वाज योर ड्यूटी, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। पता नहीं कितना स्ट्रेस ले रही हैं आजकल वो। उन्हें लगता है अगर आपको पता चल गया कि उनकी तबीयत खराब है तो आप अपना प्लान चेंज कर लेंगे, इसीलिए नहीं बताना चाह रही थी। हद करती है ना मॉम भी, ये क्या बात हुई भला? आप अपना प्लान चेंज कर लें। अगर हम चले गए और पीछे से खाला की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें कौन देखेगा? सोमिया तो उनसे बात भी नहीं करती है। उनका हाल तो पूछो। कैसी तबीयत है आपकी? मुझे क्या हुआ है बेटा, मैं ठीक हूँ। शीरी, बेटा तुम्हें मना किया था ना मैंने अदन को बताने से। खाला, आप जो भी कहें, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बेटा, बस रात थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग अपना प्लान चेंज नहीं करो, तुम लोग जाओ। आपने इतना अजनबी समझ लिया मुझे कि अब अपनी दुख और तकलीफ से भी दूर रखती हैं आप? बेटा, वो रात में बहुत मुश्किल से मैं कॉल कर पाई थी शीरिन को, ये आ गई थी तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को डिस्टर्ब ना करूँ। बहुत दूर कर दिया आपने मुझे खुद से। नहीं मेरा बेटा, मेरी जान, एक माँ अपनी औलाद को खुद से कैसे दूर कर सकती है? वो तो बस जब बेटे की प्रायोरिटीज चेंज हो जाएं तो थोड़ी स्पेस देनी पड़ती है। बहरहाल, आप प्लीज अपना ख्याल रखा करें। हाँ बेटा, मैं बेहतर हूँ अब। तुम लोग प्लीज अपना प्लान चेंज नहीं करना, तुम लोग जाओ। नाजी और अक्सम तुम्हारा वेट कर रहे हैं वहाँ। मैं आपको साल में छोड़ के नहीं जा सकता। मैं अभी उन्हें कॉल करने लगा हूँ कि हम नहीं आ सकते। शीरिन बेटा, फिलहाल तो ये मामला टल गया है, लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं होगा ना, ये रास फाश होने की तलवार हमारे सरों पर लटकी रहेगी। खाला, आप रिलैक्स करें, उम्मीद है कि रासफाश होने से पहले ये मामला ख़त्म हो जाएगा। काश ऐसे ही। मुमानी, मैं ज़रा अम्मी के घर जा रही हूँ। खैरियत? जी जी, खैरियत है। उनका फोन आया था, उन्हें एक जरूरी काम है मुझसे। नुमान को कह देती, दफ्तर जाते वक्त तुम्हें छोड़ जाता। हाँ, लेकिन फोन तो अभी आया है ना। उन्होंने कुछ पैसे रखवाए थे मेरे पास, अब उन्हें वो मिल नहीं रहे और आज ही उन्हें किसी को देने। आप परेशान मत हो, जिस रिक्शे से जा रही हूँ उसी रिक्शे से वापस आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। तबीयत कैसी है आपकी? बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी।
अदन मुझे बता रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी वजह से अदन ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी बेरहम हूँ कि मैं किसी के बीमार होने पर खुश हो जाऊंगी? बेरहम तो तुम हो, कभी आईने में देखा है खुद को गौर से? देखना, शायद इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ सफाक चेहरा तुम्हें नजर आ जाए जहां पर खुदगर्जी और बेरहमी के सिवा कुछ भी नहीं है। आज मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मैं उसे अजनबी लगने लगी हूँ, मैं उससे अपनी कोई बात शेयर नहीं करती, कुछ बताती नहीं उसे। जानती हो क्यों? क्योंकि जब बेटे छिन जाए ना तो माएं तन्हा हो जाती। मैंने आपसे आपका बेटा नहीं छीना। सोमिया तुम्हें एहसास भी है कि इस घर में तुम्हारी वजह से किससे क्या क्या कुछ छिन गया? मेरा बेटा मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता। शीरी ने तुम पर एहसान किया, कोई और उस एहसान को महसूस करे या ना करे लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बेटी का घर दांव पर लगा हुआ है लेकिन तुम ऐसी ढीठ हो कि फिर भी खुद को बहुत ही बेकसूर और मासूम समझती हो। अगर तुम इतनी मासूम होती ना तो तुम्हारा भाई तुम्हें घर से रुखसत करते वक्त तुमसे हर ताल्लुक खत्म ना करता। अरे राहिला कैसी हो? अच्छा ही हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हें कितना अच्छा समझती थी और तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा है। क्या हो गया राहिला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बुलाओ सोमिया को और बताओ उसे कि मेरी तुमसे हातिम के बारे में कब कोई बात हुई है। अरे मेरी और तुम्हारी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी, उसके बीच में हातिम तो क्या किसी के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो मैंने कब कहा कि तुमने हातिम के बारे में मुझे कुछ बताया? लगता है सोमिया ने मेरे खिलाफ तुम्हारे खूब कान भरे। तो फिर तुम्हें हातिम के बारे में कैसे पता चला? बैठो, आओ। मैं यहां पर बैठने के लिए नहीं आई हूं। सोमिया को बुलाओ और गलतफहमी को दूर करो। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जल्दी वापस घर जाने, बाहर ऑटो खड़ा है। तो मैं ड्राइवर से बोल दूंगी तुम्हें ड्रॉप कर दे, पिछली बार भी इतनी मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी, आज तो ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। आओ बैठो, सुकून से बात करते हैं। बैठो ना। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? उसकी तीन वजूहात है। एक तो ये कि तुम सोमिया की भाभी हो, दूसरी ये कि तुम मुझे बिल्कुल अपने जैसी लगती हो। मेरा मतलब है कि तुम सबका बहुत ख्याल रखती हो। और तीसरी ये कि मुझे थोड़ा सा तरस आता है तुम पे। तरस? और वो क्यों? वो इसलिए कि तुम सोमिया की तमाम नाराजगियां भूलकर पिछली बार उससे मिलने आ गई और उसने तुम्हारे आने को बहुत माइंड किया, तुम्हारे खिलाफ इतना कुछ बोलती रही कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्या बोल रही थी वो? छोड़ो, मेरे बारे में अपना दिल साफ कर लो। जब तुमने मुझसे कोई बात ही नहीं की तो मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगी? और हातिम और सोमिया के बारे में तो अदन ने मुझे खुद बताया था। लेकिन अदन तो सब कुछ जानता था। जिस दिन सोमिया से अदन ने निकाह किया उसी दिन हातिम और सोमिया का निकाह था। अंदर चल के बैठे, तुम्हें अच्छी सी कॉफी भी पिलाती हूँ और स्नैक्स भी खिलाती हूँ। सोमिया को बुलाओ, जो भी गलत फहमी उसे दूर कर, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती यहाँ। अब तो दोस्ती हो गई है हमारी, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अरे सोमिया, ये देखो राहिला आई है। वैसे तो बहुत गुस्से में थी लेकिन मैंने इसका सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। इंसान इल्जाम लगाने से पहले एक बार तस्दीक जरूर कर लेता।
तस्दीक वहां की जाती है जहां पे सामने वाले की फितरत का पता ना हो।